द्रास सब डिवीजन की तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने डाक बंगला द्रास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें द्रास सब डिवीजन को नजरअंदाज करने और जिले का दर्जा न देने का इल्जाम लगाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी पार्टी के अराकीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने आज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पुरअमन बंद का भी ऐलान किया है। आज की हड़ताल जो है हमने इस पर किया है, क्योंकि MHA का एक जो है वो डेली एक्सक्लेशन में ये निकला था कि इस तरह जो है वो जांसकार और नुब्रा के लिए डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। और उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने लिखा है कि पॉपुलेशन का जो है हम उसमें कंसिडर करेंगे। तो खुदा की मेहरबानी से हमारा जो द्रास इलाका जो है, जो हम बॉर्डरी टू बॉर्डरी मानते हैं, उसमें हमारी 50-60 हज़ार की तकरीबन पॉपुलेशन है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जनस्कार और डिस्ट्रिक्ट नुब्रा से ज़्यादा है। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो है तहसील, सबसे पहला तहसील जो है हमारा यहाँ पर द्रास को दिया गया है, वो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का है। चौथा रीज़न हमारा ये है कि हमारा जो द्रास इलाका पूरा जो है बॉर्डर इलाके में है, और बॉर्डर इलाके में होने की वजह से जो है हम कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सके। और पहली खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।